हाय, तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड जगह, फ्यू, क्या नाम है उसका पूरा, फ्यू बार एंड किचन। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव कम टू नो इज दे सर्व वन ऑफ द बेस्ट डिजर्ट्स और दे आर रनिंग देयर मैंगो फेस्टिवल स्पेशल, सो आई एम स्पेसिफिकली गोइंग फॉर दैट। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ट्राई आउट वन ऑफ देयर पॉपुलर मैंगो कॉकटेल्स। तो अंगद, which is the place that we're going to again? Few to have a to have a few drinks. Place is also just few minutes away. So, jagah jaane se pehle maine kuch research kari, aur actually it's not few, it's pho. Pho. The French call it pho. Pho means fire, aag. To aisi jagah ja rahe hain जहाँ पे इट्स एक्चुअली नेस्टल्ड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल जुबली हिल्स हैदराबाद हार्ट ऑफ द सिटी में बेस्ड है, बट पता नहीं चलता बिकॉज इसके जो अंदर जो लेन्स वगैरह हैं दे आर सो ट्रैंक्विल, सो ग्रीन, ऑल द ब्यूटीफुल बंगलोज ऑफ जुबली हिल्स आर देयर। एंड ये भी एक बंगलो स्पेस को ही कन्वर्ट किया गया है, एंड एज यू कैन सी द एंटायर एरिया। अच्छा, सबसे सुंदर बात ये है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट देयर इज अ ब्यूटीफुल कैफे कॉल्ड लवांटेज, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आज मैं आपको लेके चलूंगी टू एक्सप्लोर फो। कहीं भी जाना है पहले तो एक स्ट्रगल होती है कि कौन सी सीट चुनी जाए। इज इट जस्ट मी और इज इट एवरीवन्स इशू? बिकॉज आई रियली लाइक टू सोक इन दैट एंटायर वाइब एंड यू नो एटमोस्फेयर, और अगर मुझे वो मेरी राइट चेयर नहीं मिली ना, मेरे को मजा ही नहीं रहा था। आई फील सो अनसेटल्ड इफ आई डोंट फाइंड दैट राइट चेयर, राइट एंगल एंड द व्यू। सो हमने अल्टीमेटली वी फाउंड अ परफेक्ट स्पॉट टू सेट एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर आफ्टरनून। एंड बिफोर वी कुड गेट इन टू ऑर्डरिंग फूड एंड एवरीथिंग, आई जस्ट डिसाइडेड दैट वील स्टार्ट ऑफ विद अ कॉकटेल एंड इन द मीन वाइल आई जस्ट एक्सप्लोर द कैफे अराउंड। तो हम अपने कॉकटेल का वेट कर रहे थे एंड वी जस्ट डिसाइडेड टू गो अराउंड, और बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर है ये जगह एक्चुअली, और स्पेसेस बहुत एयरी हैं। आई रियली लाइक द फर्नीचर, यू नो इट्स वेरी आउटडोर सी, और ये जो है वो स्ट्रॉ से आउटडोर चेयर्स का डेकोर है, केन का यूज किया गया है, अ लॉट ऑफ रतन एंड वुड काइंड ऑफ फिनिश हैज बीन गिवन। आई रियली लाइक दैट दे हैव यूज्ड द नेचर एलिमेंट्स, इट्स वेरी होलसम, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट को इंटैक्ट रख के अगर कुछ बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो व्हाइल वी वर एक्सप्लोरिंग हमारा ड्रिंक्स आ गया एंड वी ऑल्सो गॉट वन राउंड ऑफ स्टार्टर्स बिफोर वी कुड हेड टू द मेन कोर्स। तो मैंने कुछ मशरूम चीजी पॉपर्स मंगाए थे एंड आई एम अ वेजिटेरियन एंड माई हस्बैंड अंगद इज अ नॉन वेजिटेरियन, तो उसने अपने लिए कुछ काफ्रियाल चिकन की कुछ डिश मंगाई थी एंड ही सेड दैट इट वॉज अमेजिंग। मेरे पॉपर्स बहुत ही अच्छे थे, मशरूम एंड चीजी पॉपर्स, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फ्राइड स्टार्टर्स, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एक खटक वाला पॉइंट था, बट इट वॉज नाइस, इट वॉज टेस्टी। आई मीन आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल लव फ्राइड स्नैक्स अलॉन्ग विद देयर ड्रिंक्स, बट नॉट मी। हाउएवर आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू, और ये है मेरा जिन एंड टॉनिक विद सम ट्विस्ट ऑफ मैंगो, बहुत ही ऑसम था। तो मैंने तो मैंगो जिन एंड टॉनिक मंगाया एंड माय हस्बैंड ऑर्डर्ड द यूजुअल जिन एंड टॉनिक विद सम स्प्लैश ऑफ मिंट। तो यहाँ हमने चीयर्स किया और या जस्ट टुक अ लिटिल फोटो बिफोर वी कुड डाइव इनटू फर्दर एक्सपीरियंस। खुशी देख रहे हो मेरी शक्ल पे, दिस इज मशरूम चीज पॉपर्स, मुझे काफी अच्छा लगा एक्चुअली, इट्स नाइस। The temperatures in Hyderabad are soaring. बहुत गर्मी है भाई। तो एक ड्रिंक और स्टार्टर्स में ही एक्चुअली मेरा हो गया, बट देन सिंस वी वर हियर आई वॉन्टेड टू काइंड ऑफ जस्ट एक्सप्लोर एटलीस्ट वन मेन कोर्स बिफोर वी लीव, है ना। तो हमारा खाना आने से पहले वी जस्ट वेंट अराउंड एंड जस्ट सोक्ड इन द एंटायर प्लेस, एंड दिस इज अ प्लेस वी वुड हैव एक्चुअली मिस्ड हैड वी नॉट एंटर्ड। This is an indoor cafe area और ये इतना vintage-y है, it is so beautiful, so thoughtfully put
दिस एंटायर प्लेस, यू नो, इसमें बहुत ऐसे विंटेज एलिमेंट्स हैं. इफ यू सी द फर्नीचर, इफ यू सी द चॉइस ऑफ द वॉल पीसेस, द चॉइस ऑफ द ब्रिक्स दैट आर यूज्ड, द सोफाज, द लैम्प शेड्स, यू नो, दैट होल कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड लेदर ब्लेंडिंग सो वेल. तो बहुत प्यार से बनाया जिसने भी बनाया ना ये जगह. इट हैव रियली पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू दिस. सो द सीटिंग्स आर एट डिफरेंट लेवल्स. सो दिस इज द इंडोर सीटिंग एरिया ऑफ द बार एंड किचन. एंड आई रियली लाइक दिस होल ड्राइड फ्लावर्स के ऊपर पोइम वगैरह लिखना. इट्स समथिंग वेरी यूनिक टू माई आईज. आई हैव सीन इट प्रीवियसली, बट मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जस्ट गिव्स अ लॉट ऑफ यू नो हार्टी टच टू द एंटायर प्लेस. मुझे पर्टिकुलरली ना इसके लो सीलिंग और ये ब्रिक वॉल क्रिएशन बहुत ही सुंदर लगी. इनफैक्ट इफ यू सी द चॉइस ऑफ स्टेयरकेस, इसमें जो इन्होंने स्टोन यूज किया है, सो सो एथेरियल, बहुत ही सुंदर है. द इंटायर एलिमेंट्स ऑफ दिस. तो इनफैक्ट जो लेफ्ट में आप रैक देख रहे हो, राइट, दिस रैक इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट प्लेस्ड दैट इज डाउनस्टेयर्स. तो मैं यहाँ पे बैठ के आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू सम बुक्स. एक्चुअली वो एक जो मैं अभी टच किया, इट्स अ बिग लार्ज कॉफी टेबल काइंड ऑफ अ बुक. मतलब उसको निकालते निकालते मैंने कहा यार कुछ गिर गुर ना जाए, सो आई थॉट जस्ट लेट इट बी. सो दिस इज देयर बेकरी एरिया. बड़ा सुंदर छोटा सा एरिया है. मीन इफ यू डोंट वॉन्ट टू हैव अ बिग मील, तो यू कैन जस्ट सिट हियर एंड हैव सम नाइस डिजर्ट्स, क्रोइसॉन, कॉफी. तो बस इतना सा ही एरिया है. एंड देन इट जस्ट गोज अप टूवर्ड्स द बार एंड किचन. इट्स नाइस. सो आर मील अवेट्स अस. वी आर बैक ऑन टू द अपर फ्लोर वेयर वी वर सिटिंग. एंड डू यू जस्ट सी द एंटायर प्लेस? खुला है, बड़ा अच्छा है. यू कैन ऑलवेज टेक योर बुक अलोंग विद यू एंड हैव अ नाइस टाइम. तो मैंने ऑर्डर किया था रेमन बोल. आई वॉन्टेड समथिंग लाइट येट समथिंग रिफ्रेशिंग. तो द गाय एक्चुअली रिकमेंडेड अस दिस डिश. एंड इसकी क्वांटिटी वॉज ह्यूज. देर वर टू बिग बोल्स ऑफ दिस. एंड आई थिंक एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 500 इट कुड ईजिली सर्व अबाउट 3 पीपल एंड इट वॉज फैंटास्टिक. सो आर एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस. हाँ, देर वॉज वन सोर पॉइंट एंड दैट वॉज आई स्पेसिफिकली केम टू ईट सम मैंगो डिजर्ट्स. एंड अनफॉर्चुनेटली सारे डिजर्ट्स में, सारे जो भी मैंगो फेस्टिवल उन्होंने रखा था उसके डिजर्ट्स में एग था. एंड आई एम अ वेजिटेरियन, आई डू नॉट इवन टेक एग. तो मेरे लिए बस ये थोड़ा सा एक सोर पॉइंट था. आई वेंट बैक टू द बेकरी इन फैक्ट एंड आई आस्क्ड हिम अगेन, बट हार्ड लक. जगह बहुत सुंदर है. आई वुड लव टू कम बैक विद माई फ्रेंड्स एंड स्पेंड द आफ्टरनून. इन फैक्ट आई वुड लाइक टू कम वन इवनिंग व्हेन सम स्पेशल बैंड इज परफॉर्मिंग. तो या बहुत अच्छा लगा मेरे को. आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन एंड मे बी ट्राई सम अदर थिंग्स टू ईट. In the meanwhile, we just took a few pictures. We had a nice afternoon all together. Another thing that I should make a mention of is their hospitality and service. It was really, really good. Good experience. Very happy staff. And ऐसी जगह आते हैं ना, so you, this is what you need. This is the kind of little pampering that you need, you know. What I'm going to take back the most are the natural elements of this place, and I would so so love to implement this in my home. It's going to create such a positive vibe. So this was for you all. I hope you liked the video. And before you head out, please don't forget to like, share, save, and subscribe. Bye bye.